तो गाइस वेलकम टू हसन फन वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूएसबी डिबगिंग कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली यूएसबी डिबगिंग होता क्या है। इससे आप अपना मोबाइल फ़ोन की जैसे अगर तो फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ख़राब होती है या तो भी आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ और प्रॉब्लम होता है कि आपके जो है वो डिस्प्ले नहीं नज़र आ रहा होता, तो आप यूएसबी डिबगिंग के हेल्प से आप आराम से जो अपना मोबाइल फ़ोन है वो आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा कि आप जो है वो कैसे से वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इधर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप इधर देखेंगे डिवेलपर ऑप्शंस, जिधर ये डिवेलपर ऑप्शंस लिखा होगा आपको इसे क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये डिवेलपर ऑप्शन नहीं आता तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ये डिवेलपर ऑप्शंस कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अच्छा, डिवेलपर ऑप्शंस में आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप ये ऑप्शन देखेंगे यूएसबी डिबगिंग, आपने इसे इनेबल कर लेना है। तो फिर ये कहेगा ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि अब आपको जो है ये यूएसबी डिबगिंग इनेबल हो सकता है, इनेबल हो गया। इसके साथ अब आप अपना मोबाइल फ़ोन किसी भी और डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर या तो फिर कोई और आपका मोबाइल फ़ोन हो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग। तो गाइस हम अपना सब्सक्राइब एम हम रखते हैं इस वीडियो का 100 सब्सक्राइबर्स का, और लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का।